जय माता दी। पट खुल चुका है, लोग जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद बाहर कुछ खाएंगे ना, खाएंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। केदारनाथ से करना, केदारनाथ वैसे भी ज़्यादा था, बहुत डेंजर था, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है अभी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा, आप देख सकते हैं शाम होता है, शाम के टाइम यहाँ का माहौल और वातावरण यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ के पिक्चर्स फोटो आप खिंचवाना चाहते हैं, फोटो के अगर शौकीन है तो आगे चल के आप देखिएगा, इतना अच्छा यहाँ का माहौल होता है, देख सकते हैं कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो प्रसाद चढ़ाने के लिए काफ़ी भीड़ है। यहाँ का थोड़ा सिस्टम आप कहेंगे कि थोड़ा सा दिक्कत है कि लाइन में एक लाइन से रहना चाहिए, बाड़ी में बाड़ी से करना चाहिए, वही है, पर उतना सिस्टम नहीं है, बढ़िया है, यहाँ कोई भी लाइन में नहीं मेंटेन करता है, बाप रे बाप, धक्का मुक्की हो रहा है सब, अभी अभी यहाँ पे दंगा हो गया था, पर कोई बात नहीं, सब माहौल शांत है। आप देखो भीड़ देखो यार, सबके प्रसाद खा रहे हैं, पूजा हो गया, अब यहाँ से जाएंगे और एक जगह, वहाँ पे विवाह का कुछ होता है वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर एक्चुअली शाम में बहुत सही लगता है, शाम में यहाँ प्रॉपर लाइटिंग होता है, मतलब पूरा मंदिर पे लाइट चला जाता है, तो आप शायद फोटो में देखे होंगे, तो हम भी बस रात होने का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से, अभी तो 4 ही बज रहा है, लाइटिंग एक बार देख लेंगे तो बहुत सही लगेगा यार, आपको भी दिखाऊंगा मैं। अरे माता जी बोलो, माता शेरावाली दा बाहर, जय माता दी। दो माता रानी के भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, हम इनके सामने कुछ नहीं है, सबसे बड़े भक्त हैं, बलि के लिए तैयार हुए हैं, इनका बलि चढ़ने वाला है, बलि घर उधर है, वो अभी पूजा करवाए हैं, आप थोड़ा देर में बलि ले जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी हम लोग जा रहे हैं श्री राम जानकी विवाह मंडप देखने, तो टिकट का प्राइस था 7 रुपया, मुझे भैया लोग दे रहे हैं। नेपाली 7 रुपया देना पड़ता है, यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए। मंगल भवन अमंगल हारी, कौन सा मंदिर है भैया जी, कौन सा मंदिर है ये? राम विवाह मंदिर, विवाह मंदिर, यहाँ पे राम जी का विवाह हुआ था, ये रहा देखो। A few moments later, Shri Ram Shri Janaki. समझ रहे हो ना, ये श्री भरत जी, श्री मांडवी, चलो आगे बढ़ते हैं। तू ही सिया करे राधा तू।
hour later. जनकपुर एक्चुअली में रात को बहुत सही लगता है, जैसे जैसे रात होगा ना, मतलब एक्चुअली मंदिर का जो कलरिंग लाइटिंग किया गया ना, बहुत सही लगता है देखो। और ये मतलब आपका मतलब स्लोली स्लोली मतलब ना, मतलब सेकंडों में कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज ब्लू ग्रीन येलो जो भी है, अभी ग्रीन है, अभी इनमें से फिर ब्लू हो जाएगा, फिर आस्ते आस्ते डार्क ब्लू। आप यहाँ पे आ रहे हो तो वेट करना कि 5:30 से 6 बजे तक का, क्योंकि इसका लाइटिंग स्टार्ट ही होता है 5:30 बजे तक स्टार्ट हो जाता है लाइट जलना। उससे पहले अगर आप दोपहर का थोड़ा वेट कर ले, घूम लेना, उसके बाद ये देख के जाना, ये वर्थ ही तैयारी है, देख के जाना। A few minutes later. हम निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग एक ही दिन का हजार का ड्राइवर, और 5:30 बज चुका है ना, तो जल्दी नेपाल से निकलना पड़ेगा, इंडिया पहुंचना पड़ेगा, वरना फिर यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस हो गया, पर आप लोग यहाँ पे आओ तो रात थोड़ा रुकना और लाइटिंग देख के जाना, लाइटिंग बहुत मस्त है। तो गाड़ी ये रहा अपना, और अब निकलते हैं यहाँ से ना राजा, चलो चलते हैं। चाबी का रखा मैंने, चलो यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं सीतामढ़ी।